कौन है? इस पल का इंतजार था मुझे। क्या बकवास है, क्या मैं सो गई थी? हैरी, मैं वैम्पायर बनना चाहती हूँ, मुझे बना दो। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम बूढ़ी हो जाओ और मैं हमेशा के लिए जवान रहूंगा और खूबसूरत भी और सेक्सी भी। हद है, मैं भी वैम्पायर की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। ये गर्दन में खुजली क्यों हो रही है? कुछ तो कंफ्यूज हो गए। हेलो, अरे केसी, क्या हो गया है? तुम डरी हुई लग रही हो। कल रात को अजीब सपना देखा, थोड़ा घबरा गई हूँ। क्या हाल है केसी? मुझे डराना बंद करो। वैसे बताओ, तुमने ऐसा क्या सपना देखा जिससे तुम इतना घबरा गई? मेरा बॉयफ्रेंड एक वैम्पायर है और उसने मुझे भी बना दिया। सच में, वाकई में इस तरह की पकाऊ कहानियाँ बहुत हो गई यार। ये पकाऊ नहीं है, अगर ये सारी चीजें असली हुई तो। अरे शांत हो जाओ, वैम्पायर सिर्फ कहानियों में होते हैं। अगर वो असली है तो वो अभी तक हमारे स्कूल में क्यों नहीं आए? उन्हें देखो, कौन है वो लोग? ये कहाँ ले आए? नए बच्चे, वो बहुत अजीब हैं। ऐसा लगता है वो किसी फैंसी घर के हैं। तभी वो इतना हाई और पावरफुल बिहेव करते हैं। मुझे तो उल्टी आती है। उनके पास छाते क्यों हैं? बाहर धूप है। अमीर लोगों की एक और बड़ी अजीब सी आदत है, वो लोग हमेशा बूढ़े दिखते हैं यार। और अगर ये वैम्पायर? केसी, उन्हें भूल जाओ, चलो कैफेटेरिया में चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या वो लोग कहाँ गए? इससे पहले वो सारे डोनट्स खा ले, हमें जल्दी करनी होगी। आज रात मूवी देखने चलोगी? मुझे टिकट्स मिल रही हैं। लेकिन कोई वैम्पायर मूवी मत चुनना, केसी तो हमेशा वही चुनती है। अरे तुम्हें पसंद आई थी? हे, तुमने मुझे धोखा दिया क्या? केसी, एक्सपायर्ड पॉपकॉर्न की वजह से मुझे उल्टी नहीं हुई थी। हाँ ठीक है, मैंने सोचा था हम दोस्त हैं। दोस्त? टायलर, इसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं भी कॉमेडी पसंद करती हूँ। क्या किस तरह के ड्रिंक्स मिलते हैं मुझे भी बताओ। केसी? हाँ, क्या तुम आ रही हो? जब सब कुछ नॉर्मल होगा तभी तो आएगी। हाँ शायद। क्या नए लड़के पर नजर? यू केसी, हे, तुम्हारे लिए एक टिकट रखी है, क्या चलोगी मेरे साथ? क्रिस, क्या चल रहा है? चलो जल्दी। केसी, मूवी देखने चलोगी ना? ये तैयार नहीं है, मैं चलूंगी। हाँ तुम लोग जाओ, आज रात के कुछ प्लान है, कल फिर मिलेंगे। सरप्राइज। ऐसे डराया क्यों मुझे? देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। थैंक्स ईवा। तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पसंद है, इसकी उम्मीद नहीं थी, इतना सुंदर होगा ये। मैंने तुम्हारे लिए रोमांटिक डिनर बनाया है, ये देखो। ये है केचुए और ये है ब्लडी कॉकटेल। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद खा लूंगा यार इसको। क्रिस, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें हमारी डेट पसंद नहीं? कौन सी डेट? हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं, ज्यादा अच्छे भगियो मत मुझसे। ओ क्रिस, देखो जरा, हम सदियों से साथ हैं और अब इसे एक स्टेप आगे बढ़ाने का समय आ गया है। नहीं मेरे लिए नहीं, बैन मानता हूँ मैं तेरे को। क्या? क्या तुम सीरियस हो? अगर मैं नहीं होती तो तुम अभी कहाँ होते? हाँ बस करो। दिख रहा है वो तो। तुम्हें स्कूल की उस लड़की पर क्रश है? क्या बकवास कर रही है, स्कूल केवल इंसान के लिए है। मेरी आंखों में देखो और सच बताओ। अपनी अस्तसी मारा तू, चल रुक जाओ।
साइको क्रिस। घर वापस आओ। खैर वो टहलने जाएगा और वापस आएगा, उसे घूम के आने दो। केसी टेस्ट लो और लिखना शुरू करो। इससे क्या हुआ? सुनो मैं केसी हूँ। उसे इग्नोर करो, बड़ा अजीब है। उसने अपनी नाक क्यों बंद की? मुझसे बदबू आ रही है क्या? हे केसी, मैं तुम्हें आंसर बता सकता हूँ। तुम्हें इफ चाहिए, शांति से लिखो और बातें बंद करो। चुप रहो तुम। हे तुम्हारा नाम क्या है? क्रिस, शायद उसे जहर दिया गया है। मैं चेक करती हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी, तुम मुझसे डरते हो क्या? क्रिस, हाँ, ये लैब सेशन है, सभी लोग अपनी जोड़ी बनाओ। बेवकूफ, ये पागल है, हमें पहले से पता है। इस सर्कस को खत्म करने का टाइम आ गया है। हेलो। हेलो, मैं इवा हूँ, इसकी दोस्त। उसे प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, या फिर उसके साथ कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे साथ सब ठीक है, सब बढ़िया है ना? क्या? शायद गलत फहमी थी। तुम क्या कह रही थी? तुम क्रिस से दूर रहो, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे लिए सेफ नहीं है केसी। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड भी थोड़ी पागल है। बहुत अजीब है, अगर ये उसकी दोस्त है तो ऐसा क्यों बोला वो बुरा है? समझ नहीं आया। क्या कर रहे हो? नए लोगों की लॉकर को सजाने का काम। नए लोगों की टांग खींचने में बहुत मजा आता है। तो उसका लॉकर पूरी सुंदरता से मैच करना चाहिए। वही तो। अरे तुम उस पे गुस्सा क्यों करते हो? वो थोड़ा अजीब है, ऐसे चलता है जैसे सो रहा हो ना। हेलो, हाय, बाय बाय, कुछ नहीं करता हूँ। बंद करो, सीरियसली मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। क्यों नहीं करने देगी? तेरा क्या दूर का बॉयफ्रेंड लगता है वो? नहीं, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। दखल देना बंद करो। अरे तेरी तो लॉकर तो खुला पड़ा है। अरे चल निकलते हैं यहाँ से, और याद रहे हम लोग यहाँ नहीं थे। अगर हम पकड़े गए तो इस पर पूरा थोप देंगे। हे, ये उसकी डायरी है क्या? लगता है उसने कई सालों से छुआ नहीं। थोड़ी थक गई हूँ। क्या केसी, दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मैं उसके खून को तरसता हूँ। ओह नो, ये साइको है क्या? अरे भाई साहब, इसको क्या दौरे वारे पड़ते हैं क्या? शायद ये मजाक है या सच में कुछ गड़बड़ है। मदद चाहिए। अजीब पागल है। घबराहट हो रही है, ये क्रिस मेरे साथ क्या करेगा? केसी, केसी, तुम ठीक तो हो? टाइलर, केसी दरवाजा खोलो प्लीज। दरवाजा खुला है, आ जाओ। ठीक है केसी, मैं आ गया हूँ। बताओ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्रिस, वो नया लड़का। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो सच में गड़बड़ है। देखो मैंने उसकी डायरी देखी है, ये देखो तुम, और उसने मेरे बारे में ये लिखा है। क्या बेवकूफ है ये? अगर उसने तुम्हें कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। टाइलर शांत हो जाओ, मैं उससे 10 कदम दूर रहूंगी। इवा ने वॉर्न किया था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे अपने साथ रहने दो। तुम्हें साथ रहने दो क्या मतलब है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें सेफ भी रखूंगा, खासकर उस लूजर क्रिस से। हाँ, शायद मैं कुछ बैकअप यूज कर सकूँ। थैंक यू टाइलर। क्या तुम्हें घर छोड़ दूँ? हाँ बिल्कुल, रास्ते में क्रिस ने मुझ पे हमला कर दिया तो। यार हमें स्कूल पहले छोड़ देना चाहिए था, यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे घर तक छोड़ने के ऑफर के लिए थैंक्स, मैं काफी सेफ फील कर रही हूँ।
क्या हुआ? बस एक उल्लू है। हाँ, बस वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। चलो बे, जो भी माल है सब निकालो अपने जेब से। हे भगवान, ये लोग ठग हैं। जो चाहिए वो ले लो। बस प्लीज हमें छोड़ देना। बेवकूफ। टायलर, रुको, मेरा क्या? वाह, क्या बात है। और तुम्हारा क्या छोटी मिस, हमारे लिए कुछ है? हमारे लिए कुछ है? टायलर, मेरी मदद करो। मैडम, अपनी जेब खाली करो। ये यहाँ क्या कर रहा है? इससे दूर हटिए, बता रहा हूँ। अबे कौन सी गोली खाता है मुझे भी बता। क्या तुम पहलवान हो? इतनी ताकत कहाँ से आई? अगर तू दोबारा इसके पीछे आए तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा तेरी। जिंदगी और पिछवाड़ा नहीं धो पाएगा। क्या तुमने उसकी आंखें देखी? आंखें भी देखी और दांत भी देखे। चल निकल लो पतली गली से। चलो घर पे चलिए, खून पिएंगे। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे यार, हद है, उसने उसे बचा लिया, अब वो सोचेगी कि वो हीरो है एक नंबर का। आखिर ये सब था क्या? तुमने इतनी तेजी से कैसे संभाला? हर कोई भ्रम हो गया होगा, एकदम घबरा गई थी। नहीं, मैंने खुद देखा, तुम रॉकेट की तरह आए और सब कुछ एक झटके में हो गया। मुझे बताओ। चिपक मत बे, खिड़की से बाहर देख और खुश रहेगी तो सेफ है। क्रिस, तुम परेशान कर रहे हो। पहले तुमने मुझे अवॉइड किया और फिर मुझे तुम्हारी डायरी में वो अजीब चीजें मिली। तूने मेरी डायरी देखी? माफ करियो, मेरे लिए तूने सारी लाइन पार कर दी है। कौन सी लाइन? तुमने मेरे खून पीने के बारे में लिखा। अच्छा, तू कह रही वो मजाक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये कर क्यों रहे हो। पहले तुम भाग गए, फिर मुझे बचाया तुमने। चलो बहुत सवाल हुआ है, यहाँ से निकल जा तू। क्या? चल बाहर निकल, मुझे हवा दे। लेकिन मेरा घर आखिर में है। बस मेरे साथ मत दिखाई दे जाइयो। चल ठीक है, बाद में मिलते हैं, कट ले अब। बाद में? बचाने के लिए थैंक्स, हद है। अरे मुझे पता है, मैं भी वहीं पर था उस वक्त। तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ। नए लड़के क्रिस ने पागलपन वाला काम किया। हाँ, क्या हो गया है टायलर? कल केसी ने मुझे क्रिस की डायरी दिखाई जो वो लिखता है। उसमें उसने केसी का खून पीने के बारे में लिखा था। क्या? वो तो साइको है। बेवकूफ, मैंने उसे कहा था कि अपने सामान पर नजर रखे। हमें किसी की मदद करनी होगी, वो मुसीबत में भी हो सकती है। हाँ, मैंने उसकी मदद कर ही दी थी, पर एक गड़बड़ हो गई थी। पर वैसे मैंने उसे वॉक के लिए पूछा था। क्या? सीरियसली? क्या तुम डेट कर रहे हो? हाँ, मैंने ऐसा कुछ सोचा तो था। फिर उन गुंडों ने हमें घेर लिया था और मैं भाग गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना होगा? और फिर वो पागल आ गया वहाँ, क्रिस। क्या? क्या? एकदम गोली की तरह आया और उन गुंडों को ऐसे मारा जोर से, और मैंने पलक भी नहीं झपकाई थी और ये सब हो गया। अरे, अरे। और ये क्रिस इतना मूर्ख है। और फिर उसने केसी को पकड़ा और ले गया। वो एक नंबर का पागल है, पक्का उसे निंजास ने पाला होगा। हद है, मुझे तो चिंता होने लगी है। अगर उसने केसी को चोट पहुंचाई तो? मैंने लोकल रूम से उसका बैग पैक ले लिया है। हमें चेक करना होगा और पता लगाना होगा कि वो है कौन। नहीं नहीं नहीं, क्रिस का भांडा फोड़ होने वाला है। आ, पीछे हटो। जल्दी ये बताओ कि क्रिस का सामान छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाइबल, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? मैं शाम को अपनी फैमिली के साथ चर्च जाती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसे यहाँ से हटाओ। अगर तुम्हें दोबारा ये सामान छूते हुए देखा तो तुम लोग गए। अरे ये तो बहुत ही अजीब सी है, अच्छा रहेगा हम इसे दूर ही रहें तो। मुझे क्रिस को रोकना पड़ेगा, अब यहाँ ज्यादा हो रहा है, जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि हम असल में कौन है। ये कहाँ छोड़ कर आए थे बेवकूफ? थैंक यू ईवा, सोचा कहीं खो गया था। किसी के हाथ लग गया ये मूर्ख, जल्द ही तुम्हारा बांडा फूट जाएगा।
क्या इस लड़के के साथ इसका क्या मामला है? ये मेरा है, सिर्फ मेरा। हे क्रिस, ये लैब सेशन है, सभी लोग अपनी जोड़ी बनाओ। अगर मैं तेरे साथ टीम बना लूं तो क्या कहेगी तू बता? हाँ जरूर। अचानक इतनी अच्छाई क्यों? तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे ना? मैंने अपना मन बदल लिया बस और क्या। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोल क्या बोलती है फिर दुबदा? मैं नहीं मानती, मुझे लगता है कि तुम मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो। ए, 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 आराम से। हाँ मैं अजीब बर्ताव कर रहा हूँ, बस कोई मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता है। और डायरी वाली बात का क्या, वो समझाओगे? तेरे से कहा था ना, बस गड़बड़ थी, तू डरपोक की है ना, इसलिए सोचा तुझे चिढ़ाऊं मैं। सॉरी। ओके, और कल तुम इतनी तेजी से कैसे आए और उनको एक हाथ से मार गिराया? वो तो एड्रेनलाइन, बस इतनी सी बात थी। उस लड़के ने तो पूरी तरह छोड़ दिया है। हाँ सही है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, तुम नहीं होते तो पता नहीं कल क्या हो जाता। तू एकदम कांटा पीस है कैसी। थैंक यू, तुम भी बहुत अलग और मिस्टीरियस हो। ठीक है, टाइम खत्म हुआ, हम बिल्कुल तैयार हैं मिस सीरियल। तू क्या कर रही है? तूने स्टंट क्यों किया? तुम बेवकूफ कीड़े। हम मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी हरकतों से सब लोगों को लगता है कि तुम वैम्पायर हो। उन्हें पता कैसे चला यार? वो सोचते हैं मेरी खोपड़ी हिली हुई है। टायलर ने तुम्हें घूमते हुए और अपनी ताकत दिखाते हुए देखा है, उसने सबके सामने सारे राज खोल दिए। बंद कर, डाकुओं ने केसी पर हमला किया था, मुझे रोकना पड़ा। ओह, करना पड़ा। ये बताओ कि तुम्हें कब से उस केसी की इतनी परवाह होने लगी? हाँ, पहली बार से मेरी नजर उस पर पड़ी। क्या? मैं तुम्हें बताती हूँ वैम्पायर। तुम्हें केवल हमारा राज पाने और हमारे खून पीने की चिंता होनी चाहिए, समझे? मैं किसी का गुलाम थोड़ी ना हूँ, समझी? जो चाहूँ वो करूँगा, किसी के साथ लाइफ बिताऊंगा। मम्मी कसम तू तो वो बिल्कुल नहीं होगी। अब तूने अगर मेरे संग कोई भी पंगा किया तो वाट लगा दूंगा। सुनो, तुम रेंगते हुए वापस जाओगे। माफ करियो, मैं जा रहा हूँ। तुम हमेशा भाग जाते हो और फिर हमेशा वापस आ जाते हो। इस बार ये अच्छाई के लिए। क्रिस, क्रिस, प्लीज मत जाओ, मत जाओ, क्रिस, प्लीज मत जाओ, मत जाओ। राम राम कैसी। तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? देखो, मुझे सोने की जरूरत है, तू मुझे अपने बगल में सुला लेना। सीरियस हो, तुम मेरे घर में कैसे आए? मैं खिड़की से, तू ग्राउंड फ्लोर पर है, याद है? हाँ सही है। कैसी, क्या हुआ तुझे? तू चीखी क्यों यार? हाँ वो मैं शायद थोड़ी थक गई हूँ। मुझे लगा मिरर में तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं बना। तो तुम यहाँ क्यों हो? घर में झगड़ा हो गया मेरा, आना पड़ा मुझे। ओ वाओ, मेरे पास क्यों आए? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, हमारा भी झगड़ा हो गया था। सचमुच तुम ही इकलौता ऑप्शन हो मेरा। क्या मैं? हम तो सिर्फ क्लासमेट है, और वैसे भी लगता है तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं, तुम मजाक कर रही हो ना? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे बिना। प्यार नहीं करता तो रात के अंधेरे में तेरे पास क्यों आता? तो फिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे को पसंद करता हूँ, बुद्धि फिर गई तेरे चक्कर में। रुकियो थोड़ी देर, खोपड़ी घूम रही है मेरी। तुम अजीब हो पता है, लेकिन मुझे ये पसंद है।
केसी, तेरे को अब सो जाना चाहिए, आराम कर ले, कल स्कूल भी तो जाना है। तुम कहाँ सोने वाले हो? मैं फर्श पर सो जाऊंगा, मैं देखूंगा तुझे ठंड ना लग जाए, तेरा स्लीप गार्डियन बनूंगा मैं। गुड नाइट क्रिस। गुड नाइट केसी। क्रिस कहाँ है? गायब हो गया? वो अजीब है, मुझे और जानकारी निकालनी होगी। उसके पास सुपर स्पीड है, बहुत सारी ताकत। वो मेरी स्मेल पे अजीब रिएक्ट करता है। और वो ब्लड वाला जोक, और वो सूरज से डरता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे उससे तुरंत बात करनी होगी। क्रिस। ओ, हेलिस, तुम हमेशा कमाल की लगती हो। हे, क्या हाल है? वो तो पूरी पागल हो गई है। अगर वो हमारे बजाय उस पागल के साथ रहना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ चाहिए क्या तुझे? ओ, क्रिस, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हो गया यार, तू थोड़ी डाउन लग रही है। क्रिस, मैं सब जानती हूँ, जहाँ कोई नहीं सुने उतर चलते हैं। बिल्कुल, जंगल में। क्या तुमने भी वही सुना? वो उसे जंगल में ले जा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या प्लान है? हमें इसके लिए पुलिस को बुलाना होगा। उसके बाद क्या, उसने कुछ भी गलत नहीं किया कि उसे गिरफ्तार कर लेंगे। कम से कम पुलिस उसके अजीब बर्ताव के लिए अलर्ट हो जाएगी। क्रेजी घर पुलिस, क्या हाल है? हेलो शेरिफ, हमने स्कूल से कॉल किया है, आपके क्षेत्र से ही। वहाँ कोई परेशानी है? अभी तो नहीं, मगर वो जल्द ही आ सकती है। हमारे स्कूल में एक अजीब सा आदमी है, वो हमारे दोस्त का पीछा कर रहा है। उसने अपनी डायरी में अजीब बातें लिखी हुई हैं, जैसे ब्लड लस्ट वगैरह वगैरह। और वो उसे अभी जंगल में ले गया है। जंगल? ये तो सीरियस बात है। शेरिफ, यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग बहुत परेशान हैं। हम उस पर पूरी नजर रखेंगे। अगर तुम्हारी दोस्त MIA या कुछ और हो तो हमें कॉल तुरंत करना, समझी? हम समझ गए शेरिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस हम बस दुआ ही मांग सकते हैं, उम्मीद है वो लोग बस बातचीत करके वापस आ जाएं। सही बात। सुपर, अब पुलिस भी जानती है कि क्रिस एक पागल लड़का है, जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे और उसे जेल में भेज देंगे। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। तो बताओ, तुम्हें क्या पता लगाया? मुझे पता है तुम कौन हो क्रिस। पता है फिर तो कहो और जोर से बोलो। वैम्पायर। तो अपना क्वेश्चन पूछो तुम। मेन्यू में क्या है? ब्लड। तुम मेरे साथ आओगी? कहाँ? चल जाएगा, बता। क्या तुम्हें हमेशा ही खिड़की से अंदर कूदना पड़ता है? ये कहाँ ले आए? क्रिस, आप इस बच्ची को हमारे घर ले आए? और क्या, इवा तूने तो कमाल कर दिया। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी चलेगी, समझी? और लगता है छोटी को पहले से स्कोर पता है ना? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी गर्दन में अपने दांत गड़ा दूँ? हाँ? क्या तुम आजकल ज्यादा फिल्में देख रही हो? मुझे इससे डर नहीं लगता। कैसी से दूर रही हो तू? तुम बेवकूफ आदमी, तुमने सारी कस्में तोड़ दी और राज एक इंसान को बता दिए। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, उसने खुद ही समझ लिया। मैंने अपना मुंह बिल्कुल बंद रखा था। आओ किसी चलते हैं। हाँ जरूर, खुद से। हाँ? पावर डिस्प्ले को तुम्हें कम कर देना चाहिए था। हाँ, बेवकूफ। तो क्या तुम मुझे नहीं खाओगे? चाहता तो था मैं, पहले ही दिन लगभग जब पहली बार तुम क्लास में आई थी ना, तो मैं तुम्हारी खुशबू मदहोश हो गया था। हाँ बिल्कुल, मुझे वो अच्छे से याद है। ये देखो, ये मेरी डायरी है, इसमें अपनी थॉट्स लिखता हूँ, यादों को लिखता हूँ। तुम्हें बताना चाहता था कि मैं कैसे वैम्पायर बना,
सौ साल पहले की बात, मुझे टीबी हो गई थी, मैं मरने वाला था, बहुत बीमार था और जीने के लिए बेचैन था, लेकिन मैं जा चुका था, बहुत तड़प रहा था मैं, लेकिन तभी अचानक ईवा आ गई और मुझे बचा लिया। तब से हम जुड़े हुए हैं, हालांकि मेरे लिए वो एक बहन और दोस्त की तरह है, लेकिन ईवा चीजों को अलग ढंग से देखती है। घबराओ मत, वो आ जाएगी, उसके लिए तुम्हें छोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे जैसे मुझे तुम्हें छोड़ना मुश्किल है। क्या हुआ, क्या हो गया तुम्हें? मैं सोच रही थी अगर ईवा मुझसे बदला लेगी तो, अगर उसने कुछ किया तो। परेशान मत हो, मेरे पास इसका एक बैकअप है। ये फूल देखो, तुम इस फूल की तरह हो, लेकिन इसके प्रोटेक्शन में जो कांटे हैं ना, वो कांटे मैं हूं। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा, बचाऊंगा तुम्हें हमेशा। थैंक यू क्रिस। थक गई होगी तुम, लिफ्ट दो घर तक। थैंक यू। अब तो मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा मैं। कैसी क्रिस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम थक गई हो बहुत ज्यादा, सो जाओ, चलो, स्वीट ड्रीम्स। कुछ तो गड़बड़ है, लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। रुक जाओ, क्या किया तुमने केसी के साथ? मैंने क्या, कैसी है को जान दे मुझे। तब तक नहीं जब तक तू बता नहीं देता कि वो कहाँ है। वो कल मेरे साथ ही, फिर मैं उसके घर तक गया, घर पे होगी वो अपने। और ये झूठ है, हम केसी के घर भी गए थे। और वो स्कूल में भी नहीं है। क्या, उसने अपना फोन भी बंद कर रखा है। बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो, लेकिन हम यकीन नहीं करेंगे क्रिस। तू कल उसे जंगल में ले गया था, बताओ वहाँ क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया कसम से यार। केटी, शेरिफ को बुलाओ। रुको, किसी को मत बुलाओ। इसने केसी के साथ कुछ किया है, पुलिस भेजो जल्दी। बात क्या है, केसी मुसीबत में है, मुझे उसे ढूंढना होगा। हाँ, उठो और चमको स्लीपिंग ब्यूटी, मैंने सच में तुम्हें धराशायी कर दिया। तुमने मुझे किडनैप किया, लेकिन क्यों? देखो प्लीज, मुझे जाने दो। हाँ, नहीं गुड़िया, वो तो मैं चाहती हूँ कि तुम क्रिस से हमेशा दूर रहो और भाग जाओ, समझी? कितनी गड़बड़ है, मुझे पता है तुमने उसे बचाया और वैम्पायर में बदल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम वैम्पायर लाइफ के बारे में क्या जानती हो? हाँ, तुम इंसानों के लिए इस दुनिया में घूमना बहुत आसान है, केवल क्रिस ही मुझे समझ सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसा है। लेकिन क्रिस, वो मुझे भी समझता है, वो अभी भी इंसानों से प्यार करता है। ये मजाक है, वैम्पायर सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, वो है खून और कुछ नहीं। मैं नहीं मानती, क्रिस ऐसा नहीं है, उसने मुझे दिखाया एक वैम्पायर इंसान से प्यार कर सकता है। हाँ, ब्ला 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 ब्ला, खत्म करने का टाइम आ गया है। ये क्या है? ये दवाई है, तुम इसे पीकर गायब हो जाओगी। लो पी लो। बिल्कुल नहीं। 7 सेकंड में काम शुरू, बस 1 मिनट और फिर पी लो। पियो अभी। तो टिकटॉक। अरे नहीं, पुलिस पहले से ही मेरे घर पर है। अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, तुम लोग घिर चुके हो। अरे अब क्या करूंगा। अरे नहीं, ईवा, इसने किया ये सब। दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता, खिड़की से मुझे कूदना होगा यहाँ पे। काश मैं टाइम पर पहुंच पाऊं। कैसी? नहीं। नहीं, मैंने मिस कर दिया। क्रिस खुश, तो जब तुम अकेले रहकर थक जाओगे तो प्लीज मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। नहीं कैसी,
खून नहीं, हाथ कैसे गायब हो गया? ये तो गायब हो रही है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। क्या? गर्दन में इतना दर्द क्यों है? और मुझे प्यास लगी है। कैसी? मैंने तुम्हें बचा लिया, तुम गायब नहीं हुई। ईवा कहाँ है? ईवा गई, लेकिन पक्का वो वापस आएगी। ये तो बस खेल की शुरुआत है। रुको, तुमने मुझे कैसे बचाया? आउच, क्रिस तुमने मुझे बदल दिया। क्रिस, क्रिस जवाब दो, क्रिस। मुझसे दूर मत करो। तन्ने कैसी को किडनैप करने खातिर चौक किया हुए पड़े से? नहीं, उसने मुझे किडनैप नहीं किया था, उसे छोड़ दो। सीधा खड़े। कैसी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, हम दोनों एक हसीन जिंदगी बताएंगे। नहीं क्रिस, हमें क्रिस को बचाना होगा। कैसे, कैसे हो तुम? हम लोग बहुत परेशान थे। चोट पहुंचाई। तुम्हें पानी चाहिए क्या? पीछे हट जाओ सब लोग, तुम्हारी गलती है, तुमने पुलिस को बुलाया। लेकिन वो पागल है, उसने तुम्हें अगवा किया, हम परेशान हो गए थे। तुम तो चुप रहो, क्रिस हीरो है, उसने मुझे बचाया। और जब ठगों ने मुझ पर हमला किया तो तुम भाग गए थे। कैसी, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं? शायद ये काफी रो भी रही थी। अब तुम सब मुझसे दूर रहो, तुम्हारी वजह से मैंने अपना प्यार खो दिया। लेकिन मैं कैसे भी उसे जेल से बाहर निकालूंगी। केसी, ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि मेरा प्यार मेरे साथ होना चाहिए। केसी, तुम क्या कर रहे हो? क्रिस ने केसी के साथ कुछ किया, अब मैं कुछ ना कंफ्यूज हो गई। फिल्मों का चेहरा। तभी वो इतना हाई और पावरफुल बिहेव करते हैं। मुझे तो उल्टी आती है। वे वैम्पायर होंगे तो के क्या बोल रहा है? तो वो उसे ले गए, बेवकूफ लूजर या बेवकूफ? हाँ बेवकूफ। लॉक है, चाबी दो रे। तुम्हें पता है? मैं बताता हूँ। किसी झाड़ी में जाना है क्या? जल्दी पीछे हटो, कम से कम वो देखेंगे कि अजीब बर्ताव कर रहा है। हेलो, किसी झाड़ी में जाना है क्या?